आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे अभूतपूर्व विषय पर जो कि आपके लिए कल्याणकारी तो होगा ही और साथ साथ में महाराज जी के अमोघ आशीर्वाद को आपके जीवन में जोड़ने में भी पूरी तरह से समर्थवान होगा। तो इसीलिए क्रमांक के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज का क्रमांक आपके लिए बहुत दिव्य है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस अद्भुत और दिव्य क्रमांक को। बहुत से अनन्य भक्तों का एक प्रश्न आता है, महाराज जी के विषय में हमने बहुत सुना है कि महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संपन्नता जुड़ जाती है, और ये जो सानिध्य है, ये सानिध्य हमें कैसे ज्ञात होगा, कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि महाराज जी के साथ हमारा जुड़ाव और महाराज जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो गया है। तो सबसे पहले आपके इसी प्रश्न को लेते हैं। देखिए, जब भी आप महाराज जी से जुड़ने का प्रयास करें और आपके हृदय में कुछ ऐसी भावनाएं जुड़ जाएं कि जैसे कि आप जिस भी दिशा की ओर देखें वहां पर आपको महाराज जी के दर्शन अंतर मन में होने लगे, आपका जुड़ाव, आपका महाराज जी के प्रति आकर्षण दिन प्रतिदिन क्षण क्षण बढ़ता रहे, तो समझ लीजिएगा कि ये वो दिव्य समय आपके जीवन में आ गया है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। ये वो समय है जब ये आकर्षण स्वयं महाराज जी ने आपके हृदय में आपको प्रेषित किया है। महाराज जी की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि महाराज जी इस अनेकों संसार की भीड़ में से भी अपने भक्त को चिन्हित कर लेते हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जब ये आकर्षण आपके हृदय में भी महाराज जी के हृदय के समान बढ़ता चले जाए दिन प्रतिदिन, तो समझ लीजिएगा कि आप महाराज जी के सानिध्य के प्रति बहुत ललायित हैं, और इस प्रकार की स्थिति में ही आपको महाराज जी का दिव्य सानिध्य प्रदान होता है। और ये सानिध्य आपके जीवन में लेकर आता है एक ऐसे अभूतपूर्व आशीर्वाद को, ऐसे अनुभव को जो कि आपने अपने संपूर्ण जीवन में अभी तक नहीं किया होगा। ये तो हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर कि महाराज जी आपको स्वयं आकर्षित करते हैं, आप स्वयं महाराज जी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो ये जुड़ाव दोनों तरफ से उतना ही प्रगाढ़ और उतना ही गूढ़ होता है। तो ये वही समय है जब आपको ये मान लेना चाहिए कि महाराज जी का सानिध्य अब आपको प्राप्त हो गया है। अब बात आती है कि महाराज जी का जो आशीर्वाद है, जो अमोघ पूर्ण आशीर्वाद है, वो हमारे जीवन को कैसे बदल कर रख देता है और कौन कौन सी चीजें महाराज जी आपसे चाहते हैं, आपसे अपेक्षा करते हैं। सबसे पहले प्रश्न लेते हैं कि महाराज जी भला आपसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं। देखिए, महाराज जी बहुत ही सरल हृदय वाले महासंत हुए हैं, इसीलिए महाराज जी को अन्यत्र किसी भी संत की श्रेणी में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि मैं गुरुओं का भी महागुरु हूं। तो इसीलिए महाराज जी जो है इसलिए भी विशेष हो जाते हैं क्योंकि महाराज जी की अपेक्षाएं अपने भक्तों से महज शून्य के समान होती हैं। महाराज जी जो अपेक्षाएं अपने भक्तों से रखते हैं वो केवल यही होती है कि जितना प्रेम महाराज जी आपसे करते हैं कि आपकी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी हर प्रकार की भूल को क्षमा करके प्रेम का प्रवाह आपके जीवन में बढ़ा देते हैं, तो महाराज जी भी अपेक्षा यही रखते हैं कि जितना प्रेम आपसे वो करते हैं उतना ही प्रेम वो आपसे अपेक्षाएं करते हैं कि आप अन्यत्र जनों से करें और प्रेम के प्रवाह को फैलाएं। क्योंकि महाराज जी यही कहते हैं कि सृष्टि का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो यही है कि सभी से स्नेह करना, कभी भेदभाव नहीं करना, सभी को समान दृष्टि से देखना और प्रभु श्री राम जी के प्रति हमेशा अपने लगाव को प्रगाढ़ बनाते रहना। यही महाराज जी केवल अपेक्षाएं करते हैं अपने अनन्य भक्तों से। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम महाराज जी की अपेक्षाओं में खरे उतरते हैं? तो इसका प्रत्युत्तर भी यह है कि इसका सबसे बड़ा उत्तर यह होता है कि महाराज जी आपको ये सारी शक्तियां भी प्रदान करते हैं। आपके हृदय में यदि कभी प्रेम का भाव एक बार भी जागृत नहीं हुआ तो महाराज जी आपको इसी मार्ग की ओर लेकर जाते हैं कि कठोर से कठोर हृदय वाले के मन में भी महाराज जी प्रेम के प्रवाह को संचालित कर देते हैं। और यही महाराज जी की सबसे बड़ी खूबी है। एक वाक्य में महाराज जी के प्रति आपके लिए साझा करना चाहूंगा जो कि जग जाहिर है। वो वाक्य क्या है कि महाराज जी हृदय परिवर्तित कर देते हैं, और यही अकाट वाक्य महाराज जी के भी हैं कि हम कभी भी शिष्य नहीं बनाते, हम केवल और केवल भक्त बनाते हैं और हम हृदय का परिवर्तन भी कर देते हैं। महाराज जी के ये वाक्य हैं, हम हृदय परिवर्तित करना जानते हैं। तो इसीलिए
जो ये शक्तियां हैं कि कैसे आप महाराज जी की अपेक्षाओं में खरे उतरते हैं, क्योंकि महाराज जी आपका हृदय परिवर्तित करके आपको प्रेममयी जीवन की जो है परिभाषा सिखाते हैं, और ये प्रेममयी जीवन आप प्रवाहित करना भी प्रारंभ करते हैं, समाज को शिक्षान्वित करने लग जाते हैं, महाराज जी की शिक्षाओं का संचालन आपके हाथों में आ जाता है। ये सब कुछ जिम्मेदारियां महाराज जी स्वयं आपको प्रदान करते हैं, और ये तभी होता है जब धीरे धीरे आप महाराज जी की तरफ आकर्षित होते हैं, महाराज जी को आप अनुभव करने लगते हैं, आपको ऐसा लगने लगता है कि हर पग पर महाराज जी का साथ, महाराज जी की छत्र छाया, महाराज जी का आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है। ये सब कुछ इतना दिव्य होता है। और मैं एक बात आप सभी को रेखांकित करने को कहूंगा यहाँ पर, कि महाराज जी का जिस दिन आपको अनुभव होगा, जिस दिन आपको ये लगने लगेगा कि कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ अवश्य चल रही है, उस दिन आपके जीवन के मायने ही परिवर्तित हो जाएंगे। सारे मायने जीवन के आपके बदल जाएंगे, जीवन के सही आशय का मतलब आप सीख जाएंगे उस दिन। क्योंकि एक समय आपके जीवन में ऐसा भी आएगा कि जहां पर भी आप अपनी दृष्टि दौड़ाएंगे, वहां पर आपको हमेशा और हमेशा महाराज जी के दर्शन होंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अनेकों की भीड़ में महाराज जी आपको चिन्हित कर लेते हैं, और महाराज जी यदि आपको दर्शन देना चाहते हैं, तो अनेकों की भीड़ में आप भी अपने सद्गुरु को बड़ी सरलता से पहचान लेंगे कि ये कोई और नहीं, स्वयं श्री महाराज जी हैं। अवश्य महाराज जी दर्शन देते हैं, मैं आप सभी को बता दूं, ये बात सुनने में आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन महाराज जी साक्षात दर्शन देते हैं और आप पहचान पाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि जिस प्रकार से ईश्वर इस धरा में रहते हुए भी सूक्ष्म रूप से अपने अनन्य भक्तों को देख रहे हैं, लेकिन महाराज जी की विशेषता क्या है कि महाराज जी साक्षात दर्शन आपको देते हैं। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बता रहा हूँ, कुछ क्रमांकों में मैंने कुछ झलकियाँ आपके लिए प्रेषित भी की हैं, जहाँ पर मैंने अपना अनुभव बताया है कि जहाँ पर मैंने महाराज जी के दर्शन किए थे साक्षात रूप में, उसी प्रकार से आज के इस क्रमांक में भी कुछ बिंदु मैं अवश्य जोड़ना चाहूँगा कि यदि आप एक सच्चे भक्त हैं तो आपके लिए ईश्वर दर्शन करना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, ये उतना ही सरल है जिस प्रकार से दर्पण में आप अपने चेहरे को देख पाते हैं स्पष्ट रूप से। तो इसीलिए हमेशा महाराज जी से आप भक्ति मांगिए। जिस दिन आप महाराज जी से भक्ति मांगते हैं, सच्ची भक्ति के लिए आग्रह करते हैं विनय पूर्वक, तो आप पाते हैं कि महाराज जी आपको सर्वस्व दे देते हैं। महाराज जी इतने सामर्थ्यवान हैं, और ये प्रेम की बात है। जब आपके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है तो फिर आपको अन्यत्र कुछ नहीं दिखता, केवल और केवल प्रेममयी संसार के दर्शन हमेशा आप हृदय से, अपनी दृष्टि से, अपने अंतर्मन से और प्रेम भाव से अवश्य कर पाते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित पूर्ण हो, इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का यूं ही कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।